कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधुपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तत्वकांक्षी गौरांगिने राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामी हरि प्रिय वाचाकल्पतुल्यस्य च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे। अध्याय का दूसरा श्लोक, इसमें हम लोगों ने चर्चा की। चौथे अध्याय का पहला श्लोक, तीनों विवस्वती योगम उक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनुवेता मनु उच्छापु अभूत। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान को। और युवस्वान ने यह योग विद्या का उपदेश किसको दिया? मनु को दिया। और मनु ने इस योग विद्या का उपदेश किसको दिया? इच्छुआ को दिया। तो अक्सर जब हम लोग समाज में घूमते हैं तो समाज में घूमने के दौरान हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों लेकर के आए हैं, क्यों दे रहे हैं, इसे देने से क्या मिलेगा, हमारे बच्चे को आपने ये क्यों पकड़ा दिया। तो उन मूर्खजनों को समझना चाहिए कि हम ये ज्ञान आपको नहीं दे रहे। क्या कर रहे हम ये ज्ञान आपको नहीं दे रहे। ये ज्ञान तो आज से करोड़ों 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 वर्ष पहले भगवान ने सूर्यदेव को दिया। और सूर्यदेव ने सारे मानवता के जो पिता हैं, जो मानव समाज के पिता हैं, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया। और मनु ने उसके बाद यह ज्ञान किसको दिया? चंद्रवंश के राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो ये ज्ञान अभी से नहीं, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है कि नहीं। मगर अगर हम कहीं पुस्तक लेकर के जाते हैं तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप हमारे पास ये लेकर के क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, एग्री बोलते हैं, आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो आवश्यकता है तभी तो भगवान ने कहा है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो भगवान क्यों बोलते। और वो भी भगवान ने डायरेक्टली आपको नहीं बोला है, आपको नहीं दिया है। ये तो भगवान ने सारे लोगों के राजा सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया। और सूर्यदेव को ज्ञान दिया, तो सूर्यदेव को ज्ञान दिया तो यानी कि ये ज्ञान सारे ब्रह्मांड के लिए व्यापक रूप से एप्लीकेबल है। ये किसके लिए है? सारे ब्रह्मांड के लिए व्यापक रूप से एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर हम अपने घर के अंतर्गत रहते हैं और हम अपना दरवाजा खिड़की बंद कर देते हैं और हम ये कहते हैं जैसे कि कुछ टीचर होंगे या कोई आर्मी होंगे, ठीक है, तो या फिर गीता का सार होगा, टीचिंग्स के रूप में आपके सामने वो मौजूद होगा, ठीक है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा कि जैसे कि भगवत गीता की ये वाणी है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान है वो लुप्त प्राय है और ये बहुत ही दुर्लभ कहीं से मिल रहा है और आप वहाँ से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं और से प्राप्त करेंगे। अगर आपको भोजन की आवश्यकता है, आपको सही भोजन नहीं मिल रहा है तो गलत ही भोजन लेंगे। अभी मान लीजिए सबको सब्जी खाना है कि नहीं, सबको दाल चावल खाना है कि नहीं,
खाना है ना, तो आपको तो देसी मिलता नहीं है, मिलता है देसी? मिलता है नहीं? मिलता है तो क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं ना, खाते हैं ना, जो भी उपलब्ध उसको लेते हैं ना, शरीर निर्वाह करते हैं ना, शरीर चल रहा है ना, 100 साल के जगह 80 साल ही जिएंगे, मगर जिएंगे ना। हाँ, मगर बोलते हैं अरे चलने दो, समाज जैसा चल रहा है क्या करो, चलने दो। यानी उस बाप के भागी हम भी बन गए, उस समाज का हिस्सा हम भी बन गए। हमने कभी सही चीज के लिए प्रयत्न नहीं किया, हमने कभी भगवान का आदेश को नहीं माना, सही के लिए हमने कभी रेस नहीं लगाई। तो अगर पूरा समाज ही ऐसे गलत वे पे चला जाएगा तब तो समझिए अधोपतन होगा ना। इसीलिए भगवान ने क्या किया, किंग को ये ज्ञान दिया, जो राजा है, कि मैं राजा को ज्ञान दूंगा तो राजा सबको देगा, हम जड़ में पानी डालेंगे तो पूरी पत्तियां हरी भरी होंगी। बात समझ रहे हैं, पिता के पास पैसा होगा तो पूरे परिवार जन खुश होंगे, मगर पुत्र अकेले पैसा कमाएगा तो फिर बोलेगा मेरा है, उसको तो मैं और मेरे के मुंह संभालेगा, वो लगेगा ये मेरा है। मगर पिता और माता का होगा तो वो सभी पुत्रों के लिए है, कितना अंतर है, देख रहे हैं ना। एक बच्चा कमाएगा तो उसके लिए है, और पिता और माता कमाएंगे तो सब बच्चों के लिए है। तो अगर घर के गार्जियन को ये ज्ञान मिल गया तो वो सबको ये प्रदान करेगा, मगर समाज में आपके गार्जियन कौन है, आपकी सरकार, उनका शासन है हर एक चीज में, ठीक है। तो पूरा हर एक फील्ड में जब शासन है, अब उनको ये ज्ञान नहीं है तो आपको ये ज्ञान तो मिलेगा नहीं। और फिर जो ये ज्ञान चला आ रहा है सीरीज से, और ये सीरीज से भी नहीं लेंगे, और इधर उधर कुछ बुक्स कहीं से खरीद लिए, कुछ शब्दार्थ कहीं से खरीद लिए, छोटा सा पॉकेट गीता, डिक्शनरी गीता, ये गीता वो गीता कुछ भी खरीद लिए, ठीक है, कुछ मैगजीन गीता खरीद लिए, सरदार पटेल का गीता खरीद लिए, गांधी जी का गीता खरीद लिए, कोई भी जिसपे वो अभिव्यक्ति जाहिर कर रहा है ऐसा गीता खरीद लिए, तो आप कहाँ चले जाइएगा, गलत रास्ते पे चले जाइए, क्योंकि आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे अभी वैगन खरीद लेते हैं, हाइब्रिड क्या है, मगर खरीद रहे हैं, नहीं मिल रहा है वो, तो गीता की भी आवश्यकता है। हर लोग तनाव पे हैं, तो तला रेलवे स्टेशन जाएंगे या बुक स्टेशन जाएंगे तो खोजते हैं, बहुत दिन से सोच रहा था गीता लेंगे, दे दीजिए कोई भी, ये हाँ चले गए, नहीं दीजिए, सही है गलत तो उसको वो मतलब नहीं है, मगर वो खोज रहा था, जीव को चाहिए कि वो क्या करे, भगवान का साथ ले, तो कुछ भी मिलता है तो वो ग्रहण कर लेता है। जब आप भूखे रहेंगे तो आपको बासी भात भी अच्छा लगता है, क्या करेंगे, मजबूरी, मगर जब अच्छा मिलेगा तो फिर बासी भात क्यों। तो गुरु शिष्य परंपरा से अगर ये ज्ञान मिल रहा है तो फिर हम ये ज्ञान फिर और कहीं से क्यों लें, हम ऐसे जाकर के क्यों फंसे जहां पर हमको फंसना पड़ेगा, ठीक है। आप उनके फंस सकते हैं, ठीक है। ये गीता